कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक रामलाल ठाकुर ने ऐलान किया है कि जनता के सहयोग से बिलासपुर और स्वारघाट में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों का 15 अक्टूबर के उपरांत घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इशारों से विधायक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नियमानुसार अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिलाधीश बिलासपुर ने अधिकारियों को विधायक बैठक में जाकर जन समस्याओं का निवारण करने के आदेश दिए हैं, मगर विडंबना ये है कि कोई भी अधिकारी निर्धारित बैठक स्थल पर नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के इस लापरवाही पूर्ण रवैये से जन कल्याण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की नैना देवी चुनाव क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं है, जो जानबूझकर विकास के कार्यों को राजनीतिक इशारों पर बाधित करते हैं। जिला बिलासपुर के 5 गांवों को जोड़ने वाली सिलोवा सड़क और मार्केट गांव को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सड़कों पर छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भूस्खलन से प्रभावित सड़क पर हाथ में डंडे पकड़कर चट्टानों पर बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं, जबकि चोट लगने का खतरा भी हर समय बना रहता है। दूसरी तरफ एक बीमार बुजुर्ग को कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की तस्वीर सामने आई है। ग्रामीण युवक बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ग्रामीण लोगों ने सरकार से प्रशासन से मांग की है कि अब बरसात तो थम चुकी है, लेकिन ग्रामीण रास्तों की हालत वैसे की वैसी ही है। जगह जगह से टूटे हुए रास्ते किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। जबकि प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी सरकार से इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में वेटलिफ्टिंग महिला वर्ग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग में कुल 8 पदक जीतकर राज्य भर में अपना लोहा मनवाया है और ओवरऑल ट्रॉफी भी अपने नाम की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वेटलिफ्टिंग महिला वर्ग का आयोजन राजकीय महाविद्यालय देहरी जिला कांगड़ा में 12 से 13 सितंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा पूजा कुमारी, कोमल दीप्ति, प्रियंका और मनीषा ठाकुर ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है, तो शालू ने रजत पदक जीता है। वहीं प्रिया दीमान, आशा देवी व श्वेता शर्मा अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। प्रियंका और तनुजा शर्मा ने अपनी टीम के लिए भी अंक हासिल किए। महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सिंह बनियाल ने विजेता व सहायक आचार्य शारीरिक शिक्षा डॉक्टर पवन पटियाल ने उन्हें बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रामपुर में पोषण अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा आयोजित सही पोषण देश रोशन अभियान में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के अलावा आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम रामपुर में जागरूकता रैली निकालेगी और लोगों को जंक फूड से बचकर स्वास्थ्य तथा संतुलित आहार करने की अपील की गई। रामपुर के पदम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसके बाद पोषण अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए नारा लेखन, चित्रकला, भाषण, नाटक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह के दौरान SDM रामपुर नरेंद्र चौहान और बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बद्रेल ने कुपोषण कारणों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्कूल के बच्चों के माध्यम से पोषण युक्त आहार के बारे में दूर दूर तक संदेश दिया जा सके। CDPO अजय बद्राल ने बताया कि आज भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर पोषण अभियान के तहत हमारा लक्ष्य है कि हर घर को सही पोषण युक्त भोजन मिले, लोगों में जागरूकता हो कि किस तरह का भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। वहीं स्कूली छात्रा ने बताया कि स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, स्वास्थ्य पोषण युक्त भोजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि युवा देश की मजबूत
रीढ़ है। इस प्रतियोगिता में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं। शिमला जिला के रामपुर महाविद्यालय में एक संवाद के दौरान विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों को पढ़ाई के दौरान सरकार और UGC की ओर से दी जा रही सुविधाएं और सहायता की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उन्हें बताया गया कि ऐसे दिव्यांग छात्रों को बेहतर माहौल और समाज का सकारात्मक सहयोग मिले तो असाधारण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। दिव्यांगों के लिए काम कर रही उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं हिमाचल विश्वविद्यालय में नोडल ऑफिसर डिसेबल ऑफिसर्स प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि दिव्यांगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने और समाज में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से शिक्षा में 5 और नौकरियों में 4% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कॉलेज शिक्षकों और छात्रों को बताया कि दृष्टिबाधित कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। उन्होंने संवाद के दौरान रामपुर महाविद्यालय में अध्ययनरत 4% दृष्टिबाधित छात्रों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में भविष्य में ऐसे दिव्यांगों के लिए राइटर और टॉकिंग सॉफ्टवेयर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अध्यापकों और छात्रों से आह्वान किया कि दिव्यांगों का हर क्षेत्र में मदद करें ताकि वे अपने को किसी से कम ना समझ सकें और समाज में सम्मान के साथ जी सकें। उन्होंने रामपुर महाविद्यालय द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।